नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 3 से। यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है विद्यालय में योग। यूनिट 3 का ये पहला वीडियो है, तो हम जैसे कि आपका टॉपिक में पढ़ना है विद्यालय में योग, तो हम योग से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि योग होता क्या है। आज के क्लास में बेसिकली हम 3 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला का बिंदु रहेगा व्हाट इज योगा, यानी कि योगा क्या है। दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ योगा, और तीसरा है रूल्स ऑफ योगा। इन 3 बिंदुओं पर हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके यूनिट 3 में पढ़ना है योग अवधारणा एवं महत्व। इसके अंतर्गत आप हेडिंग देंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कि योगा है क्या, योगा किसे कहते हैं। तो जब हम योगा के बारे में पढ़ते हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा कि योगा शब्द की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, योग जी धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जोड़ना होता है। यानी आप लिखेंगे कि योग शब्द की उत्पत्ति या योगा शब्द की उत्पत्ति योग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। लिखेंगे जोड़ना। व्यापक अर्थ में यदि हम इसकी बात करें तो व्यापक अर्थ में इसका मीनिंग होता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। योग क्या है, योग जो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम क्या करता है, योग करता है। अथवा आप कह सकते हैं कि ऐसी विधि या ऐसी साधना या ऐसा अभ्यास जो किसी भी अच्छे कार्य से सभी को जोड़े, वो क्या कहलाता है, योग कहा जा सकता है। यानी योग आप किसे कह सकते हैं, एक ऐसी विधि या एक ऐसी साधना या एक ऐसा अभ्यास जो किसी भी व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए या अच्छे कार्य करने के लिए उन सभी को आपस में जोड़े, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम योग कह सकते हैं या उसे योगा कहा जाता है। यानी आप क्या समझे, अभी हमने चर्चा किया कि योग शब्द की उत्पत्ति जो है योग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, एक ऐसी विधि एक ऐसी साधना जो कि किसी भी व्यक्ति को क्या करे, किसी भी अच्छे काम से जोड़े। यानी किसी भी व्यक्ति को अच्छे काम से जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम योग कह सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको लिखना है कि योग दर्शन के गुरु। योग दर्शन के गुरु कौन थे, ये आप सभी को ज्ञात होगा। योग दर्शन के गुरु पतंजलि है। महर्षि पतंजलि ने जो है योग की परिभाषा देते हुए कहा है कि, महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्ति विरोधा निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात इसका अर्थ हुआ चित्त की प्रवृत्तियों को रोकना ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की प्रवृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। गुरु पतंजलि का मानना है कि ये भौतिक शरीर मनुष्य की इच्छा शक्ति और मन को नियंत्रण में रखना ही सुखमय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो आपका भौतिक शरीर है और जो आपका माइंड है, जो आपका माइंड है, क्या कहते हैं, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं इसको नियंत्रण में रखना है आपको। ये मन और आपके जो इच्छा शक्ति है इसको नियंत्रण में रखना ही, अगर आप इसको नियंत्रण में रखते हैं तो आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी कारण जो है पतंजलि ने कुछ ऐसे योगासनों पर चर्चा की है जिससे जो है शारीरिक चंचलता और विफलता दूर की जा सकती है, और इससे आपकी जीवन अवधि भी बढ़ती है। यानी हम यह क्या समझे, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो ये कहा गया है कि योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा शक्ति और मन को यानी कि माइंड को नियंत्रण में रख सकते हैं। और जब हम अपनी इच्छा शक्ति और माइंड को यानी मस्तिष्क को नियंत्रण में रखेंगे तो हम अपना जीवन जो है सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए जो है
महर्षि पतंजलि के द्वारा जो है क्या किया गया, कुछ योगासनों पर चर्चा की गई है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो कौन कौन से आसन है, वो कौन कौन से आपका योग की विधियाँ है जिसको करके आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में तो बात करेंगे। चलिए अब आप लिखिए बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी कि योगा के लाभ क्या है, आपसे भेजिंग दीजिए बेनिफिट्स ऑफ योगा। जब हम योगा के लाभ के बारे में बात करते हैं यानी कि बेनिफिट्स ऑफ योगा में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यानी कि योग से क्या होते हैं, आपका शारीरिक और आपका मानसिक उपचार जो है योग के सबसे ज्ञात लाभों में से एक माना गया है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। योग किस पर काम करता है, यह आपके सद्भाव और आपके एकीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। योग के द्वारा आप जो है अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के रूप में एक सफल विकल्प है। यानी कि जितने बीमारी को मैंने अभी जिक्र किया, जैसे कि अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप या गठिया, या भी पाचन संबंधी कोई भी बीमारियां हैं, आपके पेट से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, तो उन सभी बीमारियों को दूर करने में योग जो है एक चिकित्सा के रूप में एक सफल विकल्प है। आप इस योग का प्रयोग करके आप विभिन्न बीमारियों से बचे रह सकते हैं। खास तौर पर जहां हम आधुनिक विज्ञान आज तक जो है उपचार देने में सफल नहीं हुआ है, वहां पर भी योग के द्वारा जो है बहुत बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान का समय है, वर्तमान में जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो है हमारे समक्ष आ रही है जिसको आधुनिक विज्ञान तो ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा हम उससे क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं, उन बीमारियों को हम दूर भी कर सकते हैं। जैसे कि बीमारी अभी अभी वर्तमान समय में जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे समक्ष आई है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं, आयुष मंत्रालय के द्वारा भी कहा जा रहा है, आपको नियमित काढ़ा बनाकर पीने के लिए कहा जा रहा है, योग करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे क्या होता है आप बीमारी से बचे रह सकते हैं। यानी कि आप नियमित योगासन करते हैं, नियमित योग करते हैं, नियमित जो है काढ़ा का सेवन करते हैं, तो आप क्या होते हैं बहुत हद तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं, आपकी जो है वैसी बीमारियां जो है आपको नहीं हो सकती है। तो बेनिफिट ऑफ योगा में हमने जाना कि बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम योग के द्वारा या फिर आयुर्वेद के द्वारा जो है अपने शरीर की जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे हम मजबूत रह सकते हैं और सभी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। चलिए आगे आप इसमें लिखेंगे कि अधिकांश लोगों के लिए योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए योग क्या है, जो अभी आपका तनावपूर्ण समाज है, जो आपका टेंशन भरा भी जो जीवन है, उसमें क्या कर सकते हैं, योग के द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को आप खुशनुमा और हमेशा खुश रह सकते हैं। योग जो है बुरी आदतों के प्रभाव को भी उलट देता है। हर इंसान के पास जो है अपनी कुछ बुरी आदतें होती है, जैसे कि सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, व्यायाम नहीं करना, गलत खान पान रखना, ये जितने भी से बुरी आदतें हैं, इन सब बुरी आदतों को भी यदि आप इन सब बुरी आदतों से ग्रस्त हैं, आप इनसे बचना चाहते हैं, या इनका जो साइड इफेक्ट है, जो नुकसान आपके शरीर पर पड़ता है, इन सभी को आप योग के द्वारा क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जो इसके प्रभाव हैं, इसके प्रभाव को भी आप उलट सकते हैं। जैसे कि यदि आपका काम ऑफिसली है, आप कार्यालय में काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, कुर्सी पर आपको बैठे रहना है, तो आपके अंदर मोटापा आएगा, आपका वेट बढ़ेगा। तो इन सब से दूर रहने के लिए आप क्या करते हैं, जब आपको समय मिले सुबह में या शाम में, आप नियमित व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे योगासन है जिसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से योगासन है और उसे करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं।
चलिए इसके बाद आपको इसमें लिखेंगे कि इसके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। यानी कि योग करने से क्या होता है, योग करने से आप आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा रहता ही है, आप बीमारियों से बचे तो रहते ही है, साथ ही साथ जो आपकी बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों का जो गलत प्रभाव होता है उन प्रभावों से भी आप बचे रह सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह देख रहे हैं कि योग के कुछ आध्यात्मिक लाभ भी हैं। यदि हम आध्यात्मिक लाभ का विवरण करें तो शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगा। तो इसके आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा है। जब आप योग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद इससे जुड़ते चले जाएंगे, खुद इससे समझते चले जाएंगे, क्योंकि जो यह आपको जो है स्वयं योग अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि योग के क्या है, कई सारे आध्यात्मिक लाभ होते हैं। सबका विवरण तो संभव नहीं है कि हम यहाँ प्रस्तुत कर सकें, लेकिन जब आप योगाभ्यास शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे, तो आप स्वयं ही जो इसको महसूस करते चलेंगे। हर व्यक्ति को जो है योग अलग अलग रूप में लाभ पहुंचाता है। तो योग को जो है, ये मेरा पर्सनल सलाह आप सभी से है कि योग को जो है अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। आप सभी को क्या करना है, आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा समय दें। जब आपको समय मिलता है, अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में आप सभी को घर के अंदर ही रहना है, बाहर भी कहीं नहीं जाना है, सारे विद्यालय महाविद्यालय सभी बंद हैं, आप सभी की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है, तो आप ऑनलाइन क्लास को देखते रहें, वीडियो को भी देखें, और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण ख्याल रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, योग को अपना सकते हैं। योग के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं। आप योग करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उन आदतों के जो साइड इफेक्ट हैं उससे भी आप बचे रह सकते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। जब आप योग शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक इन सभी में जो है सुधार आने शुरू हो जाते हैं, सुधार आने लगता है। तो एक बार और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी जो है इस लॉकडाउन में नियमित योगाभ्यास करें, क्योंकि आप नियमित योगाभ्यास करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए इसी आज के क्लास के अंतिम बिंदु की बात करते हैं। आप लिखेंगे रूल्स ऑफ योगा, यानी कि योग के नियम। आप सभी भी सोच रहे होंगे, हमने तो आपको योग के बारे में बता दिया कि आपको योग करना है, लेकिन योग के रूल्स क्या है, नियम क्या है। जब तक हम नियम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप योग कैसे शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आज के क्लास में हम आज के अंतिम बिंदु में हम चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ योगा, यानी कि योग के नियम, और नियम क्या क्या है। ये नियम को आप सभी नोट आउट कर लीजिए और हो सके तो अपने कमरे में इसको चिपका भी दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमको कब योग करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, इसका समय क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, बहुत ऐसे प्रशिक्षु हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जब मन करे तब योग शुरू कर देते हैं, जब इच्छा करे तब बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबके लिए, हर काम करने के लिए एक रूल बना होता है, हर काम के लिए एक नियम बना होता है। आपको करना क्या है, उस नियम का पालन करते हुए ही कार्य करना है। यदि आप उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि योग से जो आपको फायदे मिलने हो, फायदे आपको फायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिले। इसीलिए आपको करना क्या है, कुछ नियम हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस नियम को भी आपको पालन करना है, उस नियम का अनुसरण करना है, और उस नियम का अनुसरण करते हुए ही योग को करना है। तो नियम कौन कौन से है, यदि हम नियम की बात करें तो आप लिखेंगे इसमें कि पहले नियम के बारे में, पहला नियम क्या है, तो चाहे तो इसको आप नोट आउट करते जाएंगे पॉइंट वाइज। आप पहला में लिखेंगे कि किसी गुरु के निर्देशन में ही योग अभ्यास शुरू करें। ये तो बहुत कॉमन सिंपल फॉर्मूला है, पहला नियम है। जब हम योगा को शुरू करते हैं तो योगा को शुरू करने के लिए किसी योग गुरु के निर्देशन में ही हमें अभ्यास शुरू करना चाहिए।
योग गुरु आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप YouTube पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं जो कि आप सभी के लिए बेहतर वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। उन सभी वीडियो को आप देख करके अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। या अगले वीडियो में हम आप सभी के लिए कुछ आसन भी आसनों पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप धीरे धीरे जो है सब चीज़ों का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। चलिए पहला बिंदु हो गया, सेकेंड बिंदु में लिखेंगे, दूसरे बिंदु में लिखना है कि जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लिखेंगे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय होता है। योग का सही समय कब होता है? योग का सही समय माना गया है कि सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय। इन सभी में से सूर्योदय का समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सुबह में उठना पड़ेगा। जो हम समझ सकते हैं ये काम थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप कोशिश करें तो सुबह में 4 बजे या 5 बजे उठ सकते हैं। 5 बजे तक बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, आप 4:30 में उठ सकते हैं। तो आप 4:30 या 5 बजे उठेंगे तो उस समय उठने के उपरांत जो है आप आधे घंटे फ्रेश होने के बाद आप कम से कम 1 घंटे या शुरुआत में आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, आधा घंटा जो है योग अवश्य करें। क्योंकि सुबह योग करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका पेट खाली रहता है, आप बेहतर तरीके से योग कर लेते हैं। चलिए ये दूसरा नियम हो गया। आप तीसरे नियम की बात करेंगे तो तीसरे में आप लिखेंगे कि योग जो है खाली पेट ही करें। कभी भी आप योग करें तो इसका ध्यान जरूर रखें कि आप योग करें तो आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए। यानी कि योग करने से कम 2 घंटे पहले आप कुछ खाएं पिए हो। इसलिए हम आपसे रिकमेंड कर रहे थे कि आप योग कब करें, आप सुबह के समय करें। बहुत लोग जो है शाम के समय योग करते हैं, तो शाम के समय योग करने से होता क्या है कि हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। शाम में आप हल्का नाश्ता लेते होंगे, हल्का नाश्ता लेने के बाद योग करेंगे तो वो आपको फायदा नहीं पहुँचाएगा। इसीलिए जो है सुबह का टाइम को बहुत सही माना गया है, परफेक्ट माना गया है। क्योंकि आप सुबह में योग करते हैं तो सुबह में आपका पेट खाली रहता है तो आप बेहतर तरीके से योग को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह के समय को चुनना है और सुबह के टाइम ही योग करना है। नहीं तो आप यदि शाम का समय भी चुनते हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब हम योग करने जाएं तो हमारा पेट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। यानी कि योग करने से 2 घंटे पहले आप नोट आउट कर लेंगे, 2 घंटे पहले हमको जो है 2 घंटे पहले ही कुछ खा पी लेना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। चलिए हम चौथे बिंदु की बात करें तो आप चौथे बिंदु में लिख रहे हैं कि योग करते समय आप क्या करना है, आरामदायक सूती कपड़े पहनना है। इसका विशेष ध्यान रखें, जब आप योग करें तो कोशिश करें कि आप आरामदायक कपड़े पहने, यानी ढीले ढाले आपको कपड़े पहनना है। बहुत ज़्यादा हार्ड कपड़ा पहनकर आपको योग नहीं करना है, संभव हो तो सूती कपड़ा पहने जो कि आरामदायक भी रहेगा और आपके लिए बढ़िया भी रहेगा। तो ये भी आप चौथे बिंदु में लिखेंगे कि योग करने से पहले आप आरामदायक या सूती कपड़े पहने। चलिए आप पांचवें बिंदु में लिखेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं रूल्स ऑफ योगा के बारे में, यानी कि योगा के नियम। तो योगा के नियम में आप पांचवें बिंदु में लिखेंगे कि तन की तरह मन भी आपका स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। यानी कि जिस तरह आपका तन स्वच्छ रखते हैं, जैसे अपने तन को आप स्वच्छ रखते हैं, यानी कि स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तन को स्वच्छ रखने के लिए। तो जब आप योग करने जाएं, योग करना शुरू कर रहे हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि अपने तन की तरह मन को भी आपको स्वच्छ रखना है। योग करने से पहले जब आप योग करने जा रहे हैं तो योग करने से पहले आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो भी बुरे ख्याल आ रहे हैं उन सभी ख्यालों को बाहर निकाल दें। उन सभी ख्यालों को निकालने के बाद ही आप योग शुरू करें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए पांचवा बिंदु हो गया, आप छठे बिंदु में लिखिए, नंबर 6 में आप सभी को लिखना है कि योग करने के लिए किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग का अभ्यास करें। यदि संभव हो सके तो आपको क्या करना है, किसी शांत वातावरण में चले जाना है।
यदि शांत वातावरण नहीं मिल रहा फिर भी प्रयास करें एक रूम में, रूम को पैक करके आप योग कर सकते हैं। लेकिन योग करने के लिए जो है खुले जगह को प्रिफेयर किया जाता है। अभी तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, मौसम सुहाना हो रहा है, तो आप अपने छत का प्रयोग कर सकते हैं। छत पर जो है सुबह के समय आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह में मौसम भी अच्छा होता है, सुहाना होता है, मौसम भी आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं शांत वातावरण या साफ जगह का चुनाव करके वहीं पर ही योग का अभ्यास करें। यह आपका क्या था छठा बिंदु था। अब हम बात करते हैं सातवें बिंदु के बारे में। सातवें बिंदु में आप देखेंगे कि योग का अभ्यास धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। यानी कि जब योग आप शुरू करें तो आपको हड़बड़ाना नहीं आए कि आप गए फिर तुरंत चले आए। जब आप एक बार योगाभ्यास शुरू करते हैं तो कम से कम आधे घंटे तक आप योग जरूर करें। जो भी आसन आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं करना है, क्योंकि अभी आप सभी शुरू कर रहे हैं, तो पहले आप हल्के हल्के जो आसन हैं उनका अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे आप जैसे अभ्यस्त होते जाएँ तो धीरे धीरे आप अपने आसनों की संख्या, उसका समय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि आपको पूरी दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ आपको योगाभ्यास करना है। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो शायद लोग नहीं कर पाते हैं। अभी आप वीडियो देखेंगे, मन में प्रण कर लिए कि हम योग का अभ्यास शुरू करेंगे, और शायद कल से आप शुरू भी कर दें, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, हम उसको छोड़ते चले जाते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, एक बार जब आप योगाभ्यास शुरू कर दें तो उसे लगातार रखें। इसको आप कोशिश करें कि कम से कम मेरा गैप हो, मतलब कम से कम छूटे। चलिए सातवां हो गया। आपको लिखेंगे आठवें बिंदु में आपको लिखना है कि अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने कहा ही आपको, छठे बिंदु में आपको क्या करना है, पूरी धैर्यता के साथ, दृढ़ता के साथ योग करना है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती यानी कि बहुत ऐसे आसन होते हैं जो कि देखने में आपको लगता है कि बिल्कुल आसान है, या सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसको देख करके या उसको मोटिवेट होकर के हम क्या करते हैं, वैसे भी आसन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने शरीर के साथ हम जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमको फायदे ज़्यादा नुकसान ही हो जाता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप योग करना शुरू करें तो अपने शरीर के साथ आपको जबरदस्ती बिल्कुल ही नहीं करना है। यानी कि जितना आपसे अभ्यास हो पाता है आप अभ्यास उतना ही करें। जैसे मैंने चर्चा किया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 मिनट या आधे घंटे योगा करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप उतना देर ही करें। अगर आपको लगता है कि हम शुरुआत में 10 मिनट ही कर रहे हैं तो आप 10 मिनट ही करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाए, 15 मिनट करें, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे करके आप 30 मिनट या फिर 40 मिनट आप अपने समय को धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए आठ बिंदु हो गया। आप लिखेंगे नौवे बिंदु में, नाइन नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि धीरज के साथ आपको योग करना है, क्योंकि योग के लाभ महसूस होने में वक्त लगता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमने तो योग शुरू किया था लेकिन हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ है। लाभ होने का अर्थ है कि योग का जो है आपको निरंतर अभ्यास करना है, कंटिन्यू लगे रहना है, क्योंकि इसके परिणाम आने में क्या होता है, समय लगता है। इसका आपको योग के लाभ जो है आपको बहुत जल्दी मालूम नहीं चलेगा, धीरे धीरे इसके लाभ आपको पता चलेंगे। तो इसीलिए आपको धीरज रखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हम आज योग शुरू किए और कल से हमें परिणाम भी दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरज रखना है, क्योंकि योग कि जो लाभ सामने आने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद आप दसवें बिंदु में लिखेंगे आप कि निरंतर योग अभ्यास जारी रखें। वो करना क्या है, जैसे मैं हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपको योग का अभ्यास जो है निरंतर करना है, यानी कि बीच में इसे छोड़ना नहीं है। यानी कि आप क्या कि आप आज से योगाभ्यास शुरू कर दिए तो इस अभ्यास को जो है लगातार चालू रखना है। यानी कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो आप योग कर ही सकते हैं, उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़े या नहीं बढ़े या कोई भी कंडीशन हो, आप सुबह में यदि उठते हैं 4 बजे भी उठते हैं, 5 बजे भी उठते हैं, तो आप उस समय के बाद
आधे घंटे या एक घंटे योग को दे सकते हैं, उस टाइम आप योगा का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, निरंतर योगाभ्यास को जारी रखना है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम इस वीडियो में चर्चा कर देते हैं कि योग करने के 30 मिनट बाद कुछ नहीं खाए, यानी कि 30 मिनट तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आपको करना क्या है, 2 घंटे तक तो आपको, यानी कि 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और योग करने के कितना देर, 30 मिनट तक तो जो है आपको कुछ खाना पीना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। कि जब हम योग करके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि योग करके निकले और खाना पीना शुरू कर दिए, ऐसा भी काम आपको नहीं करना है। यानी कि योग आप जब कर लिए तो योग करने के कम 30 मिनट तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं, आप लिखेंगे नंबर 12 पॉइंट लिखना है, इसमें आप सभी लिखेंगे कि प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास के बात करें। प्राणायाम जो होता है उसको कब करना है, उसको अंतिम समय में करना है, जब आसन अभ्यास आप कर लें तो अंतिम में आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप नोट आउट कर सकते हैं, उसको लिखेंगे कि योगाभ्यास के अंत में हमेशा श्वासन अवश्य करें, यानी कि प्राणायाम को हम श्वासन भी कह सकते हैं, तो इसका आपको अभ्यास जरूर करना है। जैसे कि अनुलोम विलोम सभी जानते होंगे, जब आप योगा संपूर्ण योगा कर ले, जितने भी योगा आप कर रहे हैं सब करने के बाद लास्ट में जो आपको क्या करना है, श्वासन करना है, यानी कि अनुलोम विलोम करना है, और इसके साथ ही साथ आपको ओम का उच्चारण करना है और कुछ देर तक आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद ही आप योगा के रूम से या योगा कर रहे हैं वहाँ से बाहर आएंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज के क्लास में हम विशेष रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा की है, पहला योगा क्या है, दूसरा बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के लाभ क्या है, और तीसरा रूल्स ऑफ योगा, यानी कि योगा के नियम क्या है। आज के क्लास में हम इन 3 बिंदुओं पर चर्चा की है और बात की है, और अगले क्लास में हम कल के वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ योगा, यानी कि योगा के प्रकार, योगा जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार क्या है, इसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको वो टाइप्स बता देते हैं, यदि आपको हो सके तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ताकि कल जब वीडियो आएगा तो आप बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं। योग के प्रकार में जो है 4 प्रमुख प्रकार माने गए हैं। पहला होता है राजयोग, दूसरा होता है कर्मयोग, तीसरा होता है भक्ति योग, और चौथा होता है ज्ञान योग। इन चारों के बारे में जो है हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो है राजयोग को जो है आप कह सकते हैं इसे अष्टांग भी कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने इसमें 8 सूत्र बताए हैं। राजयोग के कितने सूत्र होते हैं, 8 अंग होते हैं या 8 सूत्र होते हैं, जिसे अष्टांग योग भी कहा गया है। तो अष्टांग योग के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में जो आपको हम बताए हैं कि रूल्स ऑफ योगा, जो नियम हमने नियम के बारे में हम चर्चा किए थे, इसका आपको प्रयोग जरूर करना है। तो आज के क्लास में इतना ही, आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।